हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बी स्मार्टी में। तो क्या आप भी उन सारे लोगों में से हो जिनको इन वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है? सी, लुक, लुक एट एंड वॉच, कहाँ पे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लो सी का मतलब क्या होता है, देखना। वॉच का मतलब भी क्या होता है, देखना। लुक एट का मतलब भी क्या होता है, देखना। लेकिन लुक का मतलब होता है दिखना और देखना भी, दोनों। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग दिखना के सेंस में यूज़ करते हैं। तो चलो मैं आपको इन तीनों में चार डिफरेंस बताता हूँ कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो जब हम नॉर्मली कोई चीज़ को देखते हैं ना, नॉर्मली जब भी हम कोई चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सी, ठीक है। लेकिन जब हम किसी को डायरेक्शन देकर देखने की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं लुक। या फिर जब भी हम बोलते हैं ना, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम सुंदर दिख रहे हो, तुम बेवकूफ़ दिख रहे हो, तो वहाँ पे भी हम लुक का यूज़ करते हैं। तो लुक का यूज़ ना अलग अलग टाइप में होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँगा। वॉच का मतलब ना जनरली देखना नहीं होता, वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करने का मतलब, जब भी आप कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हो ना, तो उस समय आप वॉच लगाते हो। जब नॉर्मली आप कोई चीज़ को देखते हो तो सी लगाते हो। कैसे बोलते हैं हम लोग कि आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। तो भाई, आप टेलीविज़न को देख रहे हो तो टेलीविज़न आपका चलता नहीं है, लेकिन टेलीविज़न के अंदर जो आपके पिक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे पिक्चर्स क्या होते हैं, आपके चलते हैं। मान लो आप अपना काम कर रहे हो और आपके फादर आपको बोल रहे हैं, बेटा मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रख रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो मुझे दिख रहा है। तो तुम्हारे पापा क्या कहेंगे कि बेटा आई एम वॉचिंग यू, वट एवर यू आर डूइंग। तो वॉच का मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं नज़र रखना। तो जब हम किसी पे नज़र रखते हैं, जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट चलता है उसको हम देखते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वॉच लगाते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जब हम देखने की बात करते हैं तो सी लगाते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। आई सी अ कार एवरी डे, यानी हर एक दिन मैं क्या करता हूँ, एक कार देखता हूँ नॉर्मली। दूसरा, यू लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिख रहे हो, ठीक है, या तुम सुंदर दिख रहे हो, तो यू आर लुकिंग नहीं लगाएंगे, यू लुक लगाएंगे। लुक, देखो द सन इज़ राइजिंग, तो मैं डायरेक्शन देकर बोल रहा हूँ, अरे भाई देखो सन जो है वो उग रहा है। नेक्स्ट, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, चलो ब्लैक बोर्ड को देखो, मैं डायरेक्शन देकर बोल रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड को देखो, आप लोग सब ब्लैक बोर्ड को देखो। नेक्स्ट, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो हम लोग क्या करते हैं, एक मूवी देखते हैं। तो मूवी देखते हैं तो भाई मूवी में जो पिक्चर्स होंगे ना वो चलते फिरते वाले होंगे, तो इसलिए वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वॉच लगाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डिफरेंस था वो अब डिफरेंस नहीं रहेगा, डैट मीन्स कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, पसंद आया हो, नॉलेज अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसे ही डिफरेंसेस पूछने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मुझसे पूछें कि कौन कौन से डिफरेंसेस मुझे आपको बताने चाहिए। आपको जितने भी डाउट्स हैं ना, वो सारे के सारे आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको आखिर प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है। एंड इस तरह के बहुत सारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।